आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। अरे बाप रे, अरे यार ये उस तो लेवल मत का कर। स्ट्रेस हो गया था दिमाग में बहुत ज्यादा, मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मेरे घर, हाँ मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगा देते ये कुछ गलत ना कर ले। दो साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी कुछ तुम्हारी पर्सनल लाइफ में काफी कुछ हुआ, फिर वहां से उस सिचुएशन में से बाहर आकर ऐसा परफॉर्मेंस करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो वहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तो मैं इसलिए ये पूछना चाहता हूँ और लोगों को तुम बताओ कि कैसे वो सिचुएशन आपने हैंडल किया और अपने माइंड को फ्रेश रखा और मेंटली स्ट्रांग बनाए रखा अपने दिमाग को, कि अगर उस टाइम पे अगर आपका दिमाग फिसल जाता तो आई थिंक आपके लिए मुश्किल होता खेलना बहुत यार। क्योंकि 2015, वही बता रहा हूँ, 2015 के बाद जब मैं इंजर्ड हुआ था तो 18 महीने मुझे लगे थे मैच खेलने के लिए, जो मैंने लास्ट मैच खेला था, और फिर जब नेक्स्ट मैच खेला आफ्टर इंजरी तो 18 महीने का पीरियड था उसके बीच में। एक तो वो बहुत स्ट्रेस देता था क्योंकि रिहैब पता ही है कितना ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करता है, क्योंकि रिपीट सेम रिपीट होती है एक्सरसाइज डेली, बहुत दिक्कतों का सामना था। फिर जब मैं मैच में आया उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी कुछ दिन के बाद। अच्छा वो चल ही रही थी, इतने एक्सीडेंट भी हुआ। हाँ यार, वो बिल्कुल। हाँ तो जस्ट आईपीएल से मुझे लग रहा 10 या 12 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, और ये मीडिया का भी वो सबसे हाई पे चल रहा था फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके। तो उस टाइम पे मुझे लगता है अगर मेरी फैमिली अगर मेरे साथ में होती हाँ तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, हो सकता है कि मतलब मैं अपनी क्रिकेट खो देता। मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। अरे बाप रे, अरे यार उस लेवल का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में बहुत ज्यादा, मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मेरे घर, मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगा देते ये कुछ गलत ना कर ले। अरे बाप रे यार, ये तो किसी को नहीं पता है यार। ये किसी को, इसको, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल है कि क्या चीज मैंने झेली है, क्या मैंने उस टाइम पे मैंने कैसे पास किया अपना टाइम। तो मेरे घर वाले पहरा दे देते घर पे, मैं मुझे पता ही नहीं था मैं कब सो रहा हूँ कब जाग रहा हूँ। तो वो लोग एक ना एक बंदा मेरे पास रहता था, क्योंकि 24 फ्लोर पे घर था ऊपर के, इसको इसका पता नहीं बालकनी से जंप मार देगा। ये दिमाग में कई बार डिस्कस कर चुका है इस चीज को। तो बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा दिमाग में मैं कुछ आ ही नहीं रहा था, केवल यही घूम रहा था। लेकिन घर वाले समझाने में, भाई बहुत बड़ी चीज है कि घर वाले आपके साथ हो, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी पावर आपके पास है कोई। घर वाले यही समझाते थे, बोले देखो हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सलूशन निकलता है। हर परेशानी, हर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी आती है, बहुत बहुत बड़ी परेशानी आती है, गिव अप उसका सलूशन नहीं है। गिव अप नहीं करना चाहिए भाई, सबको सीखना चाहिए ये बात। हाँ तो घर वाले एक ही चीज कहते थे, गिव अप नहीं करना है आपको। हाँ आप जिस नाम को आज लोग जानते हैं, जिस वजह से लोग जानते हैं, आप उस पे फोकस कर लो। बिल्कुल, जिसने तुम्हें बनाया है, जिस चीज ने तुम्हें यहाँ तक लाया है, आप उसको मत भूलो, उसमें खो जाओ। बिल्कुल, तो सारी बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। छोड़कर मैं इतने हाई स्ट्रेस में मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं दिमाग को बांट रहा था वहां पे। प्रैक्टिस किसे, मतलब क्या, किस चीज की? नेट्स कर रहा था, नेट्स कर रहा था, रनिंग कर रहा था देहरादून में जब एक्सीडेंट हुआ था। अरे बाप रे, अच्छा अच्छा। मैं फैमिली लेकर देहरादून चला गया अभिमन्यु एकेडमी में। जबरदस्ती जाते थे वहां पे भागना, प्रैक्टिस करना, कुछ ऐसा करता था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था मैं कर क्या रहा हूँ, इतना ज्यादा स्ट्रेस था। अच्छा,
लेकिन एक दिन जब प्रैक्टिस के बाद आया, बैठा घर में, तो वही अपना कभी भी सैड हो जाता था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। तो घर वाले बस वही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देख दिमाग को डाइवर्ट कर दूसरी तरफ, तभी होगा, वरना मेंटल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ये मतलब सारी चीजें चल रही थी वो बीच में। अच्छा तो भैया ने बहुत साथ दिया, हालांकि मेरे दो तीन दोस्त थे वो 24 घंटे मेरे साथ रहे, हाँ सबने बहुत अच्छा मेरे लिए, मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता उन लोगों को जो मेरा साथ दिया इन लोगों ने। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं कुछ कर जाता, अरे और मैं बाप आज मैं जो मैंने उस इंजरी के बाद जो मैंने किया है, जो मैंने फोकस डाला है अपने क्रिकेट के ऊपर, तो ये बड़े बहुत उसके अच्छा लोगों के लिए, ये बहुत अच्छा सीख है। जितने भी लोग यहाँ पर है अभी सुन रहे हैं, इनके लिए काफी मतलब सीखने वाली चीज है कि यार इतना जल्दी हार मत मानो, अपने आप को, अपने आप पे भरोसा रखो, फाइटिंग स्पिरिट रखो, क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है, वो फाइटिंग स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगी अगर आपके पास जरूर स्पिरिट है। यार। लेकिन उसके बाद मैंने जब डिसाइड किया है कि नहीं, अब जिस चीज ने बनाया वो ही बनाएगी मुझे, फिर उसके बाद मैंने अपना ट्रेनिंग का सेटअप किया। आपने देखा ही था पहले कि मेरा कोई टाइमिंग नहीं था किसी चीज का, कुछ नहीं था। हाँ अपने टीम में भी जब रहता था ट्रेनर बुलाते थे तब जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि खुद से जाओ या खुद से करो। लेकिन हाँ 2016 के 16 17 18 19 और ये 20, बात ये 4 साल 5 साल जो लगाए हैं इंजरी के बाद, हाँ ये नेक्स्ट लेवल की। मैंने कभी जिंदगी में मैंने ट्रेनिंग वैसी भी नहीं की, उस टाइप की ट्रेनिंग मैंने नहीं की, क्योंकि ना कभी मैंने सोचा था। हाँ 2016 के बाद मेरे पास खुद का ग्राउंड, खुद का सेटअप, जो हमारे एनसीए में नहीं है वो मेरे पास है, आज तक अरे किसी को वाह, नहीं पता है। अरे वाह, अच्छा, वेरी गुड। जितना बड़ा बैंगलोर ग्राउंड है और एनसी है, उससे बड़ा ग्राउंड मैंने अपने लिए छोड़ रखा है अकेले के लिए। क्या बात है भाई, जब मैं आता हूँ तो मैं ट्रेनिंग करता हूँ यहाँ पर, बस वो दोनों भाई ग्राउंड में, करते हैं। वो ग्राउंड की साफ सफाई करवाओ, वहां पे शायद आईपीएल का मैच होगा अक्टूबर में, लग तो ऐसे ही उसकी रहा है। जरूरत नहीं है भाई, उसकी जरूरत नहीं है, बस केवल अगर ट्रेनिंग के मैच लिए है। लेकिन बस ये है कि ट्रेनिंग हो जाती है। अभी पता नहीं हमारा कौन सा क्रिकेट होगा, आईपीएल होगा या हाँ वर्ल्ड कप होगा या क्या होगा, भगवान जाने, किसी को कुछ नहीं पता। जो भी क्रिकेट हो, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि क्लोज डोर पे ही होगा, बंद दरवाजे के देखो, पे होगा। तो वो यार कैसे मैनेज करोगे, मतलब कैसा, उसके बारे में सोचा है कुछ ऐसे, मतलब कि कुछ असर पड़ेगा तुम्हारे क्रिकेट पे या कुछ ऐसा कुछ सोचा है तुमने? अब हम लोग अगर देखें इस चीज को तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कंडीशन वैसी है कि हम लोग ना तो जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं, हाँ ना कुछ कर पा रहे हैं, ना ट्रेनिंग है ना कहीं कोई ट्रैवल है। अगर हमें थोड़ा सा भी ट्रैवल मिलता है तो हम लोग घर की बजाय हम बैंगलोर शिफ्ट हो जाते कि हमें ट्रेनिंग मिल जाएगी अंदर, वैसा हाँ भी कर ले तो भी बेटर था हमारे लिए। लेकिन हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि हम कहीं नहीं जा सकते, तो हम ज्यादा लंबा ना सोचकर मेरे हिसाब से जो जो मेरी तरफ मैं सोचता हूँ कि बेस्ट वे यही है कि आप जब तक आपका लॉकडाउन नहीं खुल रहा है, अब जैसे मेरे पास है फैसिलिटी, हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे घर में खुद की चीजें हैं, हाँ तो जितना भी स्ट्रांग, जितना भी पावर, जितना भी ट्रेनिंग कर सकते हो वो कर लो। फॉर्मेट कोई भी हो, फॉर्मेट कोई भी होगा, हमें 10 से 15 दिन तो मिलेंगे। अरे ज्यादा मिलना चाहिए भाई, 10-15 दिन नहीं में कैसे यार, जनरली बोल रहा हूँ 15 दिन तो मिलेंगे। 15 दिन तो मिनिमम है भाई। हाँ तो मेरा मानना यह है, उस चीज को ना सोचकर हम लोगों को अपनी एक्टिविटी पे सोचना चाहिए, हम लोग कैसे अपने आप को यूज टू कर सकते हैं। मुश्किल है जरूर कि हाँ डिफिकल्ट है सबके लिए, हर आदमी हाँ परेशान है, हर आदमी के पास स्पेस नहीं है, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि फॉर्मेट कोई भी आ जाए, अगर मैं टीम में हूँ तो मेरी वजह से कभी टीम में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये इतने दिन के बाद आया है या लॉकडाउन था उसमें इसको झटका लगा है। तो मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि जिस रिदम पे मैं छूटा हूँ, जिस रिदम पे मेरा लॉकडाउन यहाँ पे हुआ है, वही रिदम में दोबारा पास हूँ। जैसे अच्छा आपको ऐसे ही जैसे ट्रेनिंग की वीडियोस मिल रही हैं देखने, मैं डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी, तो मैं हाँ कोशिश कर रहा हूँ कि, और देसी वाले कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हाई कट, उतना हाई लेवल वाली मेरे पास मशीन ही नहीं है। तो मैं कोशिश, हाँ जो कोशिश है मेरी वही है कि
जो भी फैसिलिटी है मैं उसको यूज कर लूँ।